हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तरनजीत सिंह और आज इस वीडियो का खास खास पर्पज है वो सभी सीए वाले बच्चे, चाहे कोई भी कोर्स, के चाहे आप फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल के एग्जाम देने जा रहे हो और ऑलरेडी चाहे पहले एग्जाम दे चुके हो, लेकिन जो बच्चे, ये खास वीडियो का पर्पज क्या है, जो बच्चे अपने मार्क्स को लेकर इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं कि वो 200 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं या 200 के स्कोर को टच नहीं कर पा रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि 200 से नीचे रह जाते हैं और उसके आसपास ही घूम ही जा रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैंने 168 स्कोर किया तो कभी स्कोर मेरा 168 से बढ़कर 170-180 तक भी पहुंच जाता है या 90 की लाइन में भी मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन दूसरी बार दिया फिर से नीचे आ गए, कभी 199 के पास भी पहुंच गए लेकिन 200 नहीं स्कोर हो पाया, ऐसे अटेम्प्ट वेस्ट चली गई हैं और अब हम डीमोटिवेट हो चुके हैं। कोई जितना मर्जी चार्ज कर ले, हमें पता नहीं चल रहा कि क्या करें, माने उसकी बात को या ना माने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मोटिवेशनल बिल्कुल नहीं है, इसमें जो भी बात होगी वो बहुत ही लॉजिकल वे के साथ मैं आपको एक चीज समझाऊंगा और वो चीज समझने के बाद मैं आपको इतना श्योर कह सकता हूं आप सभी बच्चे अपना वो रीजन भी निकाल पाएंगे कि जिस वजह से आप 200 को टच नहीं कर पा रहे हो। और दूसरी बात, सिर्फ रीजन निकालना ही नहीं मेरा काम है, यहां पर मैं आपको साथ में सोल्यूशन भी देने आया हूं, तो उसका मैं आपको सोल्यूशन भी देकर जाऊंगा कि कैसे फिर आप अपने 200 स्कोर को क्रॉस करोगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा पूरा ध्यान से देखना, लाइक पहले अभी कर दो, बाद में आप सुनने में बिजी हो जाओगे, भूल जाओगे। अच्छा, एक और बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे हमारी लाइफलाइन सीरीज बच्चों को पता है, नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल में सर्च कर सकते हो, काफी बच्चे ऑलरेडी उस चीज का मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहे हैं। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि उसमें स्मार्ट एडवाइस की सर्विस अवेलेबल है, हमारे पास दो तरह के प्लानर्स हैं, स्मार्ट प्लानर है, ग्रैंड प्लानर है, इसके अलावा राइप क्लब की सर्विस अवेलेबल है, स्टडी क्लब है हमारा। तो आप कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हो कि इसमें होगा क्या क्या, ये सारी चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रहा हूँ, हमारी वेबसाइट का जो नाम है www.raipersworld.in, अब वहां पर हमारी जो राइप लाइफलाइन वाले सीरीज वाले पेज पर जाकर सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी पर्सनल कंसल्टेंसी, पर्सनली मोटिवेशनल या फिर पर्सनल आपको कोई स्मार्ट एडवाइस वगैरह, जो सारी सर्विसेज हैं यहां पर हमारे ऑन है इस वक्त और अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं हमारी स्टडी विंडो की तरफ और अभी मैं मेन वीडियो की तरफ अभी आता हूं कि आपको इस चीज का रीजन बताने के लिए कि कैसे हम इस चीज की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें। तो चलिए फटाफट चलते हैं हमारी स्टडी विंडो की तरफ। रिमेंबर टू सब्सक्राइब आवर चैनल And don't forget to press the bell icon button so you can get all the updates on time. देखिए, वीडियो में आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो तो मैंने सबसे पहले ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन बनाकर रखी हुई है, जहां पर आपको नजर आ रहा है कि एक तरफ मैंने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स मतलब क्या हो गया कि जब हम एग्जाम देते हैं तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मानकर चल रहा हूं कि हमारे चार पेपर हैं, मैंने वैसे लिख लिया पेपर 1, 2, 3, 4, तो टोटल हमें 400 मार्क्स के जो पेपर हैं, पेपर में जैसे मान लो जो टोटल हमारे मार्क्स हैं, तो पासिंग मैंने जस्ट एक आइडिया लिया हुआ है कि ये आपको भी पता है कि मिनिमम 40 चाहिए ईच पेपर में पास होने के लिए, लेकिन एग्रीगेट हमारा 200 बनना चाहिए, इसलिए जस्ट मैंने वैसे ही नोट कर लिया कि मान लो अगर हम हर पेपर में अपने अपने 50-50 भी अचीव कर लें तो हमारी दोनों कंडीशन पूरी होगी, 40 से भी हम क्रॉस कर गए पर पेपर और एग्रीगेट भी अचीव हो गया, मतलब ये हम चाह रहे हैं कि हमारा ऐसा हो जाए। लेकिन एक्चुअल में ये जो आपको नजर आ रहा है स्कोर, ये हमारा एक्चुअल सीन है, ये भी जस्ट फॉर एग्जांपल है कि मान लो हम इंडिविजुअली जस्ट हर पेपर में 40 ही अचीव कर पा रहे हैं, 160 तक पहुंच पा रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती हर बच्चे के अंदर क्या होती है, हर बच्चे को ये लगता है कि अच्छा इसमें भी मेरे 10 कम हो गए, इसमें भी मेरे 10 कम हो गए, तो ऐसे मिलाकर मेरे जो 40 मार्क्स हैं वो कम आए हैं। मतलब मैं कैसे देख रहा हूं, 200 चाहिए थे, 160 आए हैं, तो इसका मतलब कि मैं 40 मार्क्स से नीचे रह गया हूं, मतलब मैं 40 मार्क्स से फेल हुआ हूं। तो देखिए, अब दो नजरिए इस चीज को देखने के, या तो मैं बोलूं कि मैं 40 मार्क्स से फेल हुआ हूं, लेकिन अगर एक्चुअल में देखो पेपर आपको 200 का नहीं, आपको 400 मार्क्स का आया था, तो हर पेपर का जो इंडिविजुअली मैक्सिमम मार्क्स वो 100 थे। इसका मतलब अगर मैं 100 को इसके साथ कंपेयर करूं तो आप बोलोगे कि हर पेपर में आपके 100 में से अगर 40 आए हैं तो 60 नहीं आ पाए। अब आप सोचोगे कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो 100 में से 100 लेता है, लेकिन एक बार मैं तो जस्ट आपको एक कैलकुलेशन की बात बोल रहा हूं कि आपके 40 आए हैं तो प्रैक्टिकली सोचो 60 60 60 और 60, इसका मतलब कि हमारे जो
240 मार्क्स हैं, हम 240 मार्क्स के साथ पीछे रह गए हैं। अब अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं आगे आपको ये सारा सीन एक्सप्लेन भी करूंगा कि 400 में से अगर मैंने 140 स्कोर किया, सॉरी हमने लिया था वहां पर 160 है ना, तो अगर हमने 160 स्कोर किया तो इसको थोड़ा सा क्लीन भी कर लेते हैं। अगर हम बोल रहे थे कि अगर हमने वहां पर 160 स्कोर किया तो इसका मतलब मेरे 240 जो मार्क्स हैं वो मेरे नीचे रह गए, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था। तो अभी देखिए कि अगर इसका मतलब है कि मेरे 240 नीचे रह गए, तो पर पेपर हमने क्या निकाला था, 60 60, इसका मतलब हर पेपर में अगर मैं 60 मार्क्स से नीचे रह रहा हूं, तो देखिए प्रैक्टिकली सोचो ऐसा क्या 60 मार्क्स का हर पेपर में है जो आईसीएआई आपसे पूछ रहा है और आप उस चीज को करने के लिए केपेबल नहीं हो। बिना इस चीज के ऊपर वर्कआउट किए हुए होता क्या है, नॉर्मली हम जहां से भी गाइडेंस लेते हैं, जो भी हमें सीनियर एडवाइज करता है, नॉर्मली वो क्या कहता है, सीधा कह देते हैं कि आप में ही प्रॉब्लम होगी। पेपर चेकिंग में कभी प्रॉब्लम निकाल दी जाती है कि पेपर ठीक तरह से चेक नहीं होते, लेकिन मोस्टली क्या बोला जाता है कि प्रॉब्लम आप में ही होगी। तो वो प्रॉब्लम क्या है, बच्चा क्या सोचता है कि यार वो अपने आप को धीरे धीरे करके डाउन फील करने लग जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है, वो अपने अंदर कमियां निकालने लग जाता है, उसको लगता है कि शायद मैं ही वीक हूं, मैं ही कमजोर हूं, सारी मेरी गलती है, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। और धीरे धीरे होता क्या है, 4 5 6 8 अटेम्प्ट देने के बाद वो बच्चा अपने आप से डरने लग जाता है। ये चीज प्रैक्टिकल मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी किसी टाइम कभी ऐसी सिचुएशन में से निकला हूं। बंदा कोई भी काम से डरने लग जाता है, मतलब मैंने तो ये यहां तक भी देखा है कई बच्चों के साथ बात करके कि वो बेचारे अंदर से घबराए हुए और परेशान होते हैं, और मतलब कई बार उनको समझ भी नहीं लगता कि हम कैसे किस बात को डिस्कस करें या ना करें, जहां तक मतलब बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप सभी बच्चों को मैं आज इस वीडियो में साथ ही इस चीज का सलूशन भी दूंगा, लेकिन आप मेरी बात समझ गए हो ना। आप ये देखो इंडिविजुअली मैक्सिमम मार्क्स में से आप कितने स्कोर किए हैं, आपने मैक्सिमम में से देखो, ना के जो मिनिमम हमें चाहिए थे तो उसमें से कितने नहीं है, इसका मतलब उस चीज के लिए हमें वर्कआउट करना है। तो अभी आप क्या करिए कि आप देखिए, आपको लगता होगा कि यार हाँ ठीक है, मैं दोबारा नॉर्मली जब पढ़ता हूं तो फिर दोबारा बुक्स उठा लेता हूं। हम करते क्या है, अगर किसी बच्चे ने 160 स्कोर किया तो अगर वो फेल हो गया तो दोबारा फिर से वो बुक्स को उठाएगा और वो उसी वे से, चल ये चैप्टर पहले कर लेते हैं, चल इसको पहले कर लेते हैं। एक तो मैंने अभी आज ही पहले थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो अपलोड की है, प्लानिंग, जो बच्चा पहली बात तो बच्चा प्लानिंग करता ही नहीं है। नॉर्मली उसके माइंड में होता है कि हर टीचर बोलते हैं शॉर्ट टाइम की प्लानिंग करो, 2 4 दिन की, इससे ज्यादा खराब हो जाती है। तो यहीं पर हमारा कंसेप्ट खराब है कि शॉर्ट टाइम, इतनी शॉर्ट टाइम की प्लानिंग, इसका मतलब हमें अपने ऊपर यकीन ही नहीं है कि 2 दिन से ज्यादा प्लानिंग कर लेंगे तो वो खराब हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम प्लानिंग को ही नहीं सही फॉलो कर सकते तो एग्जाम में जाकर क्या करेंगे। प्रॉपर प्लानिंग की जानी चाहिए, जैसे मैंने आज एक वीडियो डाली है, नहीं आपने देखी है तो याद से देख लेना, आज की मेरी पहली वीडियो है 11 सितंबर की। तो दूसरी रही बात, हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है हमारे पास कि हमें ये एक्चुअल में क्लैरिटी है ही नहीं है कि हम पेपर में जाकर बेसिकली कहां पर फंस रहे हैं। अब वो कैसे पता चले, देखिए हम दोबारा वही बुक्स उठाते हैं, उसी वे से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, जो हमें बोरिंग भी लगता है, हर तरफ से एडवाइस आती है छोड़ दो रहने दो, और फिर भी हम बीच बीच में कोई चैप्टर यहां से उठा लिया, यहां से कर लिया, वहां से कर लिया। जब तक एग्जाम आते हैं, जो हमने लास्ट टाइम 160 स्कोर किया था ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसी स्कोर तक अभी हमने दोबारा रिवाइज किया जब एग्जाम आ गया, इसका मतलब वही 160 मार्क्स का हम दोबारा पढ़ के जा रहे हैं। अब उसमें कभी कुछ इजी आ गया, कभी टफ आ गया, कभी वो 160 के 170 बन गए, 180 बन गए, कभी वो 140 150 रह गए। जो हमारा 240 का काम है, जो हमें पता करना था, देखिए ये जो 240 का काम है, हमें ये पता करना है कि ये क्या चक्कर है, ये तो हमने देखा ही नहीं। अभी आप क्या करो, जैसे मैंने पहले भी इस पे काफी बार वीडियो डाली है, आप क्या करो, आप पास 3 पेपर उठा लो, मई 19 का पेपर, नवंबर 18 का पेपर और उसके अलावा मई 18 का पेपर, ये 3 पेपर आज आप उठाओ एक बार, और वो तीनों पेपर को लेकर करंट वाले से स्टार्ट हो जाना, लेटेस्ट वाला, मीन्स आप मई 19 के पेपर से स्टार्ट होना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखना शुरू करो और प्रोबेबिलिटीज निकालो और उसको अपने रजिस्टर पर नोट करो। अभी आपको क्या देखिए अभी मैं आपको बताता हूं होगा क्या, बहुत सारे बच्चे इस चीज को बनाएंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे, लेकिन एनालाइज के रिजल्ट को यूज करना हमें पता ही नहीं है। मतलब एनालाइज कर लेंगे लेकिन वो एनालिसिस को कैसे यूज करना है हमें वो नहीं पता है, एनालिसिस के बाद हमने कैसे प्लानिंग की तरफ जाना है वो हमें पता ही नहीं है, एनालिसिस बनाने तक फिर भी पहुंच जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले कम से कम एनालिसिस बनाने तक तो हम आए। मैंने मान लो क्वेश्चन पेपर उठा लिया मई 19 का,
क्या क्या पॉइंट मेरे माइंड में आने शुरू हो जाएंगे जब मैं क्वेश्चन देखने शुरू करूंगा। आप यहां पर देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटीज चल रही है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि नॉर्मली हमारे पास कैसा कैसा जो कह लो कि सीन है वो निकल के बाहर आएगा। हमें पता चलेगा यार ये तो टॉपिक ही नहीं मैंने कभी कवर किया आज तक, क्यों नहीं किया, शायद मैं हमेशा ही छोड़ के जाता हूं, करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, ये मुझे कभी पेपर में समझ ही नहीं आ सकता, मुझे क्लास में नहीं समझ आया था, मैं इसको सेल्फ स्टडी के साथ कैसा करूं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप फाइनल वाले बच्चों को ले लो एफआर में, वो नॉर्मली कंसोलिडेशन चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, लेकिन मुझे याद है अपने टाइम पर मैंने सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन रखे थे कि इसी में से बहुत सारे उस अगर सारा क्वेश्चन आ गया तो भी ठीक है, नहीं भी आया तो बहुत सारे पॉइंट्स ये 10 क्वेश्चन में से मिलाकर ही बनते हैं, तो मैं कम से कम हर क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स तो बनाऊंगा, 16 नंबर ना सही 8-10 तो ले लूंगा ना। तो इस आप सीधा सोचो, कई बार हम लोग 195 पर, इवन कई बच्चे 199 पर भी जाकर फंसते हैं एक नंबर से, तो अगर आपके 8 नंबर या 10 नंबर कंसोलिडेशन में से आ रहे हैं तो किसकी गलती है, हमें नहीं पता है, हम फिर भी छोड़ के जाते हैं। तो अभी ये तो जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हमने कभी टॉपिक ही नहीं कवर किया। अभी दूसरा रीजन क्या है कि हमें लगता है कि हम पेपर में अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, हमें नॉलेज नहीं है। देखिए हम अटेम्प्ट कैसे काउंट करते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, हमें बोला होता है टीचर ने बेटा छोड़ के कुछ ना आना। अब छोड़ के ना आना का मतलब हमारे माइंड में क्या है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे हम उसका खाली फॉर्मेट ही बनाएं, चाहे दो कैलकुलेशंस कराएं, हम उसको काउंट करते हैं जी हमने अटेम्प्ट 100% की है, मतलब मैंने 10 नंबर का अटेम्प्ट किया। आप ध्यान से सोचो, अगर आपने उसमें दो वर्किंग नोट ही बनाए हैं, अगर वो दोनों वर्किंग नोट एक नंबर के हैं, तो आपने 10 नंबर का नहीं एक नंबर का अटेम्प्ट किया है। अभी एग्जामिनर देखेगा कि एक नंबर में से आपको एक नंबर दिया जाए या आधा दिया जाए या नील कर दिया जाए, क्योंकि आपका वो वर्किंग नोट ठीक भी है या नहीं है। तो इसका मतलब कि आप देखो ऐसे कौन से टॉपिक हैं, आप क्वेश्चन आंसर वाइज चलोगे पेपर को उठाकर, तो आपको पता चलेगा ये टॉपिक ये क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं इसके ऊपर मेरा जो पॉइंट है वो स्ट्रांग नहीं है, मैं इसको ट्राई कराता हूं पेपर में लेकिन मेरा होल्ड होल्ड नहीं है इसके ऊपर। अभी तीसरा क्या रीजन है कि नॉर्मली मैं कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको देखकर पेपर में कंफ्यूज हो जाता हूं। अब कंफ्यूजन के बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं है, प्रोविजन ऐसे पड़ गए। अभी मैं स्पेशली वीडियोज डालूंगा स्पेशली DT IDT वाले बच्चों के लिए, वो मिस ना करना बिल्कुल भी वीडियो, आपको आपके सारे रीजन प्रैक्टिकली पता चलेंगे कि आप किन किन वजह से आपके पेपर में मार्क्स कट रहे हैं। या अच्छा याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपको ये कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मली सभी जैसे बोलते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, मैं जो भी वीडियो डालूंगा मेरी पूरी कोशिश होती है कि दिल लगाकर आपके साथ सारा डाटा लेकर आऊँ, जहां से भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो पूरी पक्के तौर पर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचे वो सॉलिड वे से आपको पेपर में पास कराने के लिए दिल से आपकी कह लो काम करने की मेरी पूरी कोशिश होती है। कभी भी टाइम पास करने के मकसद से मुझे होता है कि कोई भी काम को नहीं करना चाहिए। तो चलिए पहले इसकी तरफ दोबारा ध्यान देते हैं, मैं भी कहां चला गया था कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार क्वेश्चन के ऊपर, 15 मिनट का क्वेश्चन है एक एक घंटा लगा दिया, जिस वजह से बाकी पेपर का टाइम शॉर्ट रह गया, टाइम शॉर्ट रहने की वजह से बाकी पेपर को हड़बड़ी भी मैं करता रहा तो वो भी पूरा नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे रीजन है आपके मार्क्स कटने के। तो मुझे पेपर में जाकर कोई टॉपिक ज्यादा लेंथी फील होने लग जाता है, अब उसका वजह क्या है, आपकी डिफिकल्ट है, मैं उस चीज़ को कवर नहीं कर सकता, मुझे लग रहा है ये चीज़ मुश्किल है, मैं इसको सीखना नहीं चाहता, मुझे पेपर में जाकर टाइम की प्रॉब्लम आती है, मुझे लगता है कि अगर 4 घंटे हो तो मैं पेपर पूरा कर सकता हूँ। अब जब आप 3 क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो मान लो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक पेपर में देखा, मान लो जस्ट पहला ही पेपर है, मैं उसको अकाउंटिंग नाम ही बोल देता हूँ, FRA फाइनेंशियल, अगर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फाइनल वाले बच्चों का, जस्ट फॉर एग्जांपल अब वर्ड अकाउंटिंग यूज कर लो, अकाउंटिंग का पेपर है जी हमारा। अकाउंटिंग पेपर में क्या क्या हुआ मैंने देखा, अभी जैसे मैंने आपको बताया अटेम्प्ट को कैसे काउंट करना है, ये नहीं कि 10 नंबर का हाथ लगा दिया तो अटेम्प्ट हो गया, देखो उसमें कितना किया आपने। मैंने देखा 20 नंबर का मैंने छोड़ा हुआ है, ज्यादा ही छोड़ा होता है नॉर्मली, 20 नंबर का मैंने छोड़ा हुआ है, चलो ठीक है। अगर 20 नंबर का एक पेपर में छोड़ रहा हूं तो जस्ट फॉर एग्जांपल ले लो 4 पेपर है ना, 20 × 4 कितना 80 मार्क्स का छोड़ा है मैं। अभी देखो हमें 240 का निकालना है, ऐसे ही कहां से डाल रहे, 80 का निकला है, अगर मैंने 240 में से 80 का तो निकाल लिया। अभी मैंने देखा है कि 10-15 नंबर का हर पेपर में ऐसा होता है कि मुझे लगता है मैंने अटेम्प्ट पूरा किया लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। इसका मतलब अगर 10 नंबर का भी होता है 10 × 4 40 यहां पे हो गए, 80 पहले आगे, 40 दोबारा आगे, 120 आगे, 240 में से 120 हमने निकाल ले। अब देखो होगा क्या, हमें लगता है कि टाइम के वजह से मैं कई चीजों को गलत कराता हूं जल्दी जल्दी में या छोड़ आता हूं। अब 10-10 नंबर का वो लगा लो 120, उसके बाद 10-10 नंबर मतलब 4 पेपर 40 × 120 + 40 कितना हो गया 160। अब ध्यान से सोचो, जैसे मैंने अभी निकाला था मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि अगर हमने 160 स्कोर किया था, आप ये वाला देखो 40 40 हमने 160 स्कोर किया था,
तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम दोबारा दोबारा इसी 160 को पेपर में पढ़कर चले जाते हैं दोबारा, तो देखते हैं अभी दोबारा कितने आते हैं। अगर इस बार हम ये करें कि ये वाला जो हमने 160 का पेपर है, ये तो हमें पता ही है कि हम इतना तो स्कोर कर ही लेते हैं हर बार, तो जो अभी हमने जस्ट देखो, मैंने ज्यादा अभी वर्कआउट नहीं किया, 240 में से मैंने ये निकाला 160 का जो आप खराब करे हो। अब वो 160 में से अगर आप जस्ट ये मान लो कि 160 में से मैं आधे भी ले लूं, अभी 160 में से आप जरा काउंट करो आपके आधे कितने हो गए, 80 हो गए। तो अगर मैंने वो 160 में से 80 भी ले ली तो 160 तो आपके पहले ही आ रहे हैं। अब देखना आपका जो स्कोर है वो 200 क्रॉस कर पाया है या नहीं पाया है। अब आप मुझे बताओ कितना इजी है 200 स्कोर को क्रॉस करना। लेकिन अब ये इस चीज को दिल को किसका करे कि मैं इस ये चीज को बनाऊं, फॉलो करूं, थोड़ी सी मेहनत करूं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूं, इतना एनालिसिस करने के बाद उसको ठीक तरह से यूज करना, उसको प्लानिंग में कन्वर्ट करना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना। अब अगर हम ये चीजें नहीं करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हम फिर ये क्यों चाह रहे हैं कि हम पास ना हुए, हम ये क्यों चाहते हैं कि हम पास हुए, हम पास होना चाहते हैं लेकिन हम अभी हमारी सिचुएशन ऐसी होगी हम काम नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन जस्ट मेरी एक बार आप ये बात मान लो, इस बार के अटेम्प्ट के लिए एक हार्डवर्क कर लो और दिल से करो और डे वाइज अपनी प्लानिंग करके चलो। नहीं हो रही है तो आप हमारी सर्विसेज को भी ऑप्ट कर सकते हो प्लानिंग की। जो बच्चे ऑलरेडी सर्विसेज को अवेल कर चुके हैं वो उस चीज को फॉलो करो। ये ना सोचना कि प्लानर के साथ ठीक है, हमें ये पता है ये चैप्टर आज करना है, ये कल करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा अब क्या करें। यही तो गलती है हमारी। अगर कुछ अचीव करना है तो हमें कुछ ना कुछ हार्डवर्क तो खास करना पड़ेगा। देखिए जो भी बंदा इस वक्त एग्जाम को क्वालिफाई कर रहा है तो इसके पीछे उसकी मेहनत है, जो हमें शायद वो नहीं नजर आती, हमें उसका पास होना नजर आ जाता है। तो बोर ना हुए, अपनी लाइफ से तंग ना हुए, जितनी बार भी अटेम्प्ट्स लग चुकी हैं छोड़ दो उस चीज को, पीछे रहने दो, अभी आगे का सोचो। हमने आने वाले टाइम में अभी 6 महीने में 1 साल में इसको कोर्स को खत्म करके तब अगली लाइफ के बारे में मजे के साथ सोचेंगे। वरना मैं आपको क्लियरली बताता हूं, बहुत सारे बच्चों के ऐसे भी कॉल्स आते हैं, बुक कराकर मेरे साथ बात करते हैं कि छोड़ दें कोर्स को। मेरा सीधा एक क्वेश्चन होता है कि ठीक है छोड़ दो, छोड़ने लगे हो। अब ये देख लो, अगर कोर्स को तो छोड़ने लगे हो लेकिन हमारी फील्ड के साथ ही रिलेटेड कोई काम करने लगे हो, इसका मतलब इसकी याद सताती रहेगी और ये वापस आपको बार बार बुलाती रहेगी। अगर तो कुछ ऐसी फील्ड में जा रहे हो कि इस फील्ड के साथ लिंक नहीं रहेगा, ये भी याद रखना दुनिया भी सताएगी कि इससे भी क्लियर नहीं हुआ। इसलिए बेटर है कोशिश करो, हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी होए तो बहुत सारा कुछ आपके पास सॉलिड ऐसा रीजन हो कि हाँ मैं ये ऐसे कर रहा हूं, अब यहां से अगर मैं निकल भी चुका हूं तो मुझे वापस आने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे कोई कल को बोलेगा कि मैंने इस चीज को अचीव किए बिना ही आगे बढ़ गया और इसको मैं कवर नहीं कर पाया। तो इन सारी चीजों को माइंड में रखकर जो डिसीजन लेना है लो। बाकी जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, आप अवेल करना चाहते हो तो अवेल कर सकते हो। बाकी मैं आपको अपना स्क्रीन पर जो हेल्पलाइन विंडो है, आपको क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है राइव क्लासेस के नाम से, याद से जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर भी बच्चों के लिए आती रहती है नॉर्मली एग्जाम को लेकर खास करके। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी याद से चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना, क्योंकि कंटेंट मेरी कोशिश होती है नए से नया, बिल्कुल लेटेस्ट और नई चीज आपके सामने लाई जाए जो आपने पहले कभी सुनी ना देखी हो, और रियलिटी वाला बात हो, जो भी बात हो वो रियल, एक रियल लाइफ में जाकर मैं आपके साथ बात करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझोगे, जैसे मैंने आपको सारा वो प्लान दिखाया उस चीज को बनाने की कोशिश करोगे। अगर कहीं फंस गए तो आप हमारी सर्विसेज को भी अवेल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। तो बाकी आप सभी के साथ मैं हमेशा अवेलेबल हूं, कोई भी आपको हेल्प की जरूरत हो तो आप कोई भी सर्विस अवेल कर सकते हो। तो चलिए वंस अगेन आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।